हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे सेतामा कॉइन से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की। और लगभग दो दिन पहले हमने आपके साथ इस कॉइन को कवर किया था, और अगर आप देखें तो टॉप 5 कॉइन की लिस्ट में भी ये कॉइन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें, यहाँ पर अगर इसका प्राइस अभी आप देख रहे हैं लगभग 43% बढ़ा हुआ है, 55% तक बढ़ गया था 24 आवर्स में। मार्केट रैंक अगर आप देखें 2813 है। वॉच लिस्ट लगभग यहाँ पर 1,78,000 से ऊपर हो चुकी है। और काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट्स है दोस्तों जो यहाँ पर होने वाली है, उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम 24 आवर्स हाई की बात करें, 5.9 तक इसने टच किया हुआ है। और यहां पर अगर हम चार्ट देखें 7 डे का, आपको हमने सजेस्ट किया था कि इस कॉइन में एंट्री बन सकती है, इस कॉइन को आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये साइडवेज में चल रहा है। 3839 जहां पर हमने एक वीडियो भी शेयर किया था, अगर वहां पर आपने बाय किया है तो एक अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट आपको हुआ होगा, एक बड़ी रैली यहां पर आपको देखने को मिली होगी। इसका प्राइस जो है लगभग यहां पर 5.9 तक चले गया था, 6.0 तक टच करके आया हुआ है, अभी थोड़ा नीचे की ओर आया हुआ है। अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें, काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर बाइंग हो रही है, लगभग 450% ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पर बढ़ा हुआ है, तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग लगातार हो रही है, 2 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ था अभी तक, वहां पर एक जगह ट्रेड भी नहीं हुई, उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। और दोस्तों, इंडियन एक्सचेंजेस पर यह आ रहा है, इसका इंपैक्ट भी अगर आप देखें, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पर यह ज्यादातर अवेलेबल नहीं है और काफी लोग ऐसे हैं जो इसे बाय भी करना चाहते हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आपको इसे बाय करना है दोस्तों, आप get.io पोलोनी एक्सएल बैंक एमईएक्सी से भी बाय कर सकते हैं। जियोटस पर भी अवेलेबल है, जो इंडियन एक्सचेंज है। सन क्रिप्टो पर अवेलेबल है, जो इंडियन एक्सचेंज है। इसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों इससे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की ओर। उससे पहले अगर आप ऑल टाइम हाई को देखें दोस्तों, तो अभी भी ऑल टाइम हाई से लगभग 72% कम चल रहा है। ऑल टाइम लो की बात करें, लगभग 453,863% ऊपर उठा हुआ है। दोस्तों, आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अपना प्रॉफिट बुक करते हुए भी चलना है। मतलब यहां पर अगर आप देखें, अच्छा खासा हाइप इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी रैली जरूर देखने को मिल रही है। इसी रीजन से अगर आप देखें तो यहां पर इसे रेजिस्टेंस मिला हुआ था, इससे पहले भी यहां पर ये डाउन में आया था, ब्रेकआउट मिला, नीचे की ओर आया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें, फिर से इस लेवल पर आ चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस को यहां पर ब्रेक करता है तो ये हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो वीक बनी है दोस्तों, काफी शानदार बनी हुई है, लगभग 8.4 तक चले गई है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो यहां पर ग्रीन कैंडल्स लगातार बनती जा रही है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो थोड़ा प्राइस यहां पर कम भी हुआ है, और इससे पहले भी आप देख सकते हैं यहां पर इसी एरिया में आकर ये डाउन में आया था और फिर से नीचे की ओर आया। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर 13 नवंबर की, तो आप देख सकते हैं 13 नवंबर को भी ये अच्छा खासा ऊपर की ओर गया था, जहां पर 10 के प्राइस में से हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेतामा इनु से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की ओर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके होल्डर्स की दोस्तों, तो यहां पर होल्डर्स की संख्या लगभग 3 लाख के पार हो चुकी है। काफी बड़ा माइलस्टोन यहां पर सेतामा इनु ने कंप्लीट किया हुआ है। अगर हम बात करें सेतामा की दोस्तों, ज्यादा दिन इसे लॉन्च हुए नहीं हुए, उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो ग्रोथ है काफी ज्यादा शानदार है, यहां पर लगातार ये ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। सेतामा वोल्प पैक विद 300K होल्डर, जहां पर 3 लाख होल्डर्स इसने कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, सेता मास्क रिलीज काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। सेता मास्क इनके द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है दोस्तों, उसका जो काउंटडाउन है यहां पर शुरू हो चुका है, मतलब बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। अगर आप देखें यहां पर इनकी टीम लगातार अपडेट्स प्रोवाइड कर रही है, और इन्होंने यहां पर 7 डे के काउंटडाउन के बारे में भी बताया था कि आप यहां पर 7 दिन के लिए इसे रखिए, क्योंकि यहां पर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। वुडन चेंज अ थिंग, गुड बेड और इनडिफरेंट, वी हैव ग्रो टुगेदर, कलेक्टिवली वी विल मेक अ डिफरेंस और डाइट रैंक, जहां पर हम कुछ ना कुछ डिफरेंस यहां पर क्रिएट जरूर करेंगे। और अगर आप देखें तो जो प्राइस है उसमें एक अच्छी खासी हाइप अभी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें यहां पर काफी कुछ अपडेट्स है जो इनके इकोसिस्टम में देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी लगातार जा रही है। आप देख सकते हैं 5 जनवरी मतलब कल के दिन यहां पर एक और एक्सचेंज पर ये अवेलेबल होने वाला है। कल मतलब USDT और ETH और INR के पेयर में यहां पर अवेलेबल होगा। हम बात कर रहे हैं कॉइंस बीट इंडिया की, जो एक तरीके से यूरोप का एक्सचेंज है लेकिन इंडिया में प्रेजेंट है, तो वहां पर भी एक बड़ी क्वांटिटी में सेतामा को परचेस किया जा सकता है। सेतामा वहां पर भी अवेलेबल होगा। कॉइन बाजार पर भी लिस्ट हो चुका है, मतलब इंडियन एक्सचेंजेस पर लगातार ये लिस्ट हो रहा है। तो यहां पर काफी कुछ अनाउंसमेंट हो रही है सेतामा में, तो आप इसे कुछ क्वांटिटी में रख सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं रखें। अगर आपने इसे परचेस किया है दोस्तों, तो यहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हैं। अगर ये डाउन में जाता है तो फिर इसमें एंट्री बन सकती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखें, अभी काफी ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ा हुआ है। प्राइस भी अगर आप देखें तो लगभग यहां पर 50% बढ़ा हुआ है। कोई भी अपडेट निकल के आती है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।